चलिए खबरों का रुख करेंगे। फर्स्ट इंडिया की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी है। घुड़ा मालानी में स्वीकृत हुए 3 जीएसएस, अब हेमाराम की नाराजगी काफी हद तक दूर हुई। करीब 1.5-2 साल से मांग रहे थे हेमाराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया ने इस मुद्दे को प्रमुखता से दिखाया था, प्रमुखता के साथ इस खबर को प्रसारित किया था। हेमाराम ने गोविंद डोटासरा से निवेदन किया था, 72 घंटे में डोटासरा ने आदेश स्वीकृत करवाए। घुड़ा मालानी की जनता को बड़ी सौगात मिली है। एक बार फिर से फर्स्ट इंडिया की खबर पर मोहर लगी है। अब काफी हद तक हेमाराम की नाराजगी दूर हुई है। घुड़ा मालानी में 3 जीएसएस स्वीकृत हुए, करीब 1.5-2 साल से हेमाराम चौधरी मांग रहे थे, फर्स्ट इंडिया ने इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ प्रसारित किया था। जयपुर से ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जुड़ चुके हैं। योगेश, क्या मान लिया जाए कि बहुत हद तक हेमाराम की अब नाराजगी दूर हो चुकी है? देखिए, बहुत साफ तौर पर हेमाराम चौधरी ने कहा था कि वो जनता की आवाज उठा रहे हैं, वो अपने स्थानीय लोगों की मांगों की आवाज उठा रहे हैं और इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है, क्योंकि सुनवाई नहीं हो रही थी और ये कारण उनके इस्तीफे का कारक बना। और अब जब जो मांगे पिछले 1.5-2 साल से पूरी नहीं हो रही वो एकदम से अब पूरी होने लगी है। बड़ी मांग थी, 3 जीएसएस वहां पर घोषित हो चुके हैं, उनके ऑर्डर निकल चुके हैं। अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा तो लगातार उनके टच में हैं, उनसे बात हेमाराम चौधरी ने उनको डिमांड्स बताई थी और ये कहा था कि अगर ये मांगे पूरी नहीं होती तो वो भी अपने इस्तीफे पर पुनर्विचार नहीं करेंगे। तो अब सरकार स्तर पर जो संवेदनशीलता बरती जानी चाहिए थी, गंभीरता बरती जानी चाहिए थी, जो मंत्रालय स्तर पर लापरवाही या देरी हुई उसको ठीक किया गया, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि और वो भी एक योगी जी, आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ खुद विधायक हेमाराम चौधरी जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया पर जुड़ने के लिए। सर, आपने इस्तीफा दिया और माना जा रहा था कि नाराजगी थी आपकी पार्टी से, इसीलिए आपने इस्तीफा दिया, और क्या मान लिया जाए कि अब आप खुश हैं, क्योंकि एक बड़ा काम जो करीब 1.5-2 साल से आप जिस चीज की मांग कर रहे थे वो पूरा हो गया? हेमाराम जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए संपर्क साधने की फिर से उनसे कोशिश करेंगे। योगेश जी, देखिए पूरे गणित को समझा जाए तो काफी समय से वो बार बार यही कह रहे थे, क्योंकि देखिए 30 साल तक जनता ने उन पर भरोसा जताया है। 30 साल बिल्कुल भी कम नहीं होते, इनफैक्ट बहुत ज्यादा होते हैं कि जनता ने उन्हें लगातार चुना, और ऐसे में अगर वो उनका काम नहीं कर पाएंगे तो उनकी नाराजगी जग जाहिर जो हुई थी वो लाजमी थी। ज्योति, ये बात सही है आपकी, और जिस तरह हेमाराम चौधरी को कोई मंत्रालय की भूख नहीं है, कोई लालच नहीं है कि उन्हें मंत्री बनाया ही जाए। अगर ऐसा होता तो वो उसी दिन इस्तीफा दे चुके होते जिस दिन उनको मंत्री नहीं बनाया था। क्या बात, सवाल ये खड़ा होता है कि जिस जी, माफी चाहूंगी एक बार फिर से आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ खुद हेमाराम चौधरी जी जुड़ चुके हैं। हेमाराम जी, देखिए 1.5-2 साल से जिस चीज की आप मांग कर रहे थे वो पूरी हो गई, क्या मान लिया जाए पार्टी से जो नाराजगी चल रही थी वो अब खत्म हो चुकी है? नहीं, कौन सी मांग मान ली गई? सर देखिए, मांग तो जो थी जो मानी गई 1.5-2 साल से जिस चीज की मांग कर रहे थे, घुड़ा मालानी में 3 जीएसएस स्वीकृत हुए हैं और बड़ी सौगात मिली है वहां के स्थानीय लोगों को। नहीं, ये तो 2.5 साल से प्रयास कर रहा था और अभी इसमें सफलता मिली है। और भी बहुत सारे काम हैं जिनके लिए भी मैं 2.5 साल से प्रयासरत हूँ, उनमें भी सफलता मिलेगी, तो इसलिए अभी इन बिजली वाले मामले में मिली है सफलता। और भी बहुत सारे काम हैं, उनमें भी सफलता की अभी उम्मीद है, सफलता मिलेगी। काम की अगर सफलता मिल जाए तो फिर इस्तीफा देने में कोई आनंद थोड़ी आता है। हेमाराम जी, आपकी प्रमुख मांगों में से एक मांग पूरी हो गई है, क्या कुछ हद तक आपकी नाराजगी दूर हुई है पार्टी से? प्रमुख मांगों में से एक मांग पूरी, और भी बहुत सारी मांगे हैं, इसलिए चल रहा है, हमारे काम काज वगैरह है, वो सारे काम काज वगैरह हो जाएंगे और उसके बाद में हमारे नेताओं से बात होगी तब जाकर के। अभी तो एक प्रदेश अध्यक्ष जी का फोन आया, उसके अलावा किसी को बात हुई है नहीं, तो सबसे बात होगी, बात होने पर ही नाराजगी की बात है। तो दूसरी नाराजगी तो वैसे पार्टी से तो मेरी कोई नाराजगी है ही नहीं, मेरे क्षेत्र के जो विकास के काम है वो नहीं हो रहे थे उसको लेकर के पार्टी से या
किसी व्यक्ति विशेष से मेरी कोई नाराजगी तो पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है। जहाँ तक विकास के काम है वो तो होने चाहिए, जनता ने मुझे एक जिम्मेदारी हमारे साथ ब्यूरो चीफ योगेश जी एमएलए चुना है जी। हेमाराम जी, हेलो, हाँ हेमाराम जी, योगेश बोल रहा हूँ मैं। हाँ जी, हाँ, और ऐसी कौन सी मांग है, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से लगातार अब गंभीरता सरकारी स्तर पर बढ़ती जा रही है, आपने जो जो डिमांड्स की है, कल आपका धरना भी सफल रहा। सरकार के स्तर पर गंभीरता बढ़ती जा रही है तो बहुत अच्छी बात है, और सरकार के स्तर से ही काम होंगे, जनता के जो भी विकास के काम है सरकार के द्वारा ही होंगे, सरकार के बिना तो कोई काम हो नहीं सकता, और सरकार गंभीरता बरत रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। और भी बहुत सारे काम हैं, उनके लिए भी मैं प्रयासरत हूँ, काम हो जाएंगे, जनता के काम के लिए लोगों ने मेरे को चुना है और जनता के काम ही मुझे करवाने हैं, उसके अलावा तो मेरा और कोई काम ही नहीं है। हेमाराम जी, विधानसभा अध्यक्ष ने भी आपको दावा भेजा है लॉकडाउन के बाद, तो क्या मन बनाया आपने? विधानसभा अध्यक्ष जी ने बुलाया है तो जाएंगे, मन क्या बनाया है, विधानसभा अध्यक्ष जी ने लॉकडाउन से पहले तो बुलाया नहीं उन्होंने, इसलिए जा नहीं सकते, और लॉकडाउन के 7 दिन बाद में बुलाया है तो जरूर जाएंगे, विधानसभा अध्यक्ष जी ने बुलाया क्यों नहीं जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हेमाराम जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। योगेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, माना जा रहा है कि हेमाराम की नाराजगी काफी हद तक दूर हुई, लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि उनका काम ही जनता का काम करवाना है, और कई भी उनकी प्रमुख मांगे हैं जो अभी तक पाइपलाइन में है, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है।